नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। इसी क्रम में सुल्तानपुर जनपद के विकास खंड प्रतापपुर कमईचा में भी गांधी जयंती का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एडीओ पंचायत अरविंद प्रसाद श्रीवास्तव के नेतृत्व में महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही ब्लॉक परिसर में एडीओ पंचायत द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया और सभी ने राष्ट्रगान किया। भारत माता की जय के जयकारों से पूरा ब्लॉक परिसर गूंज उठा। एडीओ पंचायत अरविंद प्रसाद श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें महात्मा गांधी यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ कार्य करना चाहिए। महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलते थे और इसी मार्ग पर चलकर उन्होंने हमें आज़ादी दी। इस दौरान सचिव अशोक कुमारी, संगम लाल, पंकज कुमार, राम केवल, विजय प्रताप मिश्रा और जितेंद्र कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको परिचय लेना चाहिए। जी, मेरा नाम अरविंद प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड पीपी कमईचा में पोस्ट है। जैसे आज 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी का जन्मदिन था जी, तो कुछ बोले जी। जी, आज जो है महात्मा गांधी जी के की जयंती के अवसर पर, महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर सबसे पहले सुबह 7:30 बजे डाक बंगले पर जो है वहाँ पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात जो है विकास खंड पर 9 बजे जो है झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति का मूर्ति पर विकास खंड कार्यालय में हाल में जो है उनकी मूर्ति पर पुष्पमाला चढ़ाया गया। उसके बाद विकास उसमें जो है एमआई साहब और हमारा कार्यालय स्टाफ उपस्थित था। उसके बाद उनके जीवन परिचय, जीवन वृत्त के विषय में जो है विस्तार से चर्चा की गई और हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महोदय भी आए हुए थे। अभी जो है साफ सफाई का कार्यक्रम जो है विकास खंड कार्यालय में मंडल अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में किया गया। इसमें हमारे स्टाफ में एडीओ एमआई साहब जितेंद्र कुमार जी और मैं एडीओ पंचायत अरविंद श्रीवास्तव मुख्य रूप से और हमारा पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। अभी ये कार्यक्रम जो है साफ सफाई का अभी तक चला, अभी समाप्त हुआ है। जी, कुछ प्रकाश डालेंगे महात्मा जी का। जी जी, महात्मा गांधी जी जैसा कि आज गांधी जयंती के अवसर पर, और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जो है गांधी जयंती है, उनकी भी, वो महात्मा गांधी जी की जयंती है। जैसा कि उन्होंने आज़ादी में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम के मार्ग पर चलने का रास्ता जो चुना, बताया हम लोगों को, उससे उनके जीवन के विषय, जीवन के जो परिचय से हमें लगता है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर, सत्य, अहिंसा, प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। इस रास्ते पर चल के उन्होंने आज़ादी हासिल की और ये संदेश दिया कि सत्य, अहिंसा, प्रेम का इनका जो नारा है ये अपने में एक अलग महत्व रखता है, उसका जीवन में बहुत महत्व है। उसके बाद इनका एक ये था कि जैसे 3 बंदर दिखाई देते थे जो हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी में, कि अपना जो है कान बंद किए रहो, मुंह बंद किए रहो, आंख बंद किए रहो, कि आप किसी की बुराई जो है ना तो करिए और ना सुनिए और ना देखिए। ये इनके 3 जो मंत्र थे, मेन 3 मंत्र ये थे कि आँख, कान और मुंह बंद रखिए, और सत्य, अहिंसा, प्रेम का इन्होंने जो नारा दिया। और इसके साथ इन्होंने ये था कि इनका अपना एक व्यक्तित्व थी, व्यक्तित्व इनका एक छवि थी कि जहाँ भी चलते थे इनके साथ एक कारवां जुड़ता चला जाता था।
लाखों लाख लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। जैसे कहा गया है, लिखा है किताबों में, साहित्य में, कि चल पड़े जिधर जो जगमग में, चल पड़े कोट पर उसी ओर, पड़ गई एक दृष्ट, जिस ओर गढ़ गए उसी पर कोट दृष्ट। तो ये जो है अपने में एक, आज भी उसको पढ़ने पर इनकी याद जो है, इनके जीवन के वृतांत जो है, जो वो ताज़ा हो जाते हैं। और ये जो हम लोग मनाते हैं, ये हर वर्ष यादगार के रूप में मनाते हैं। और इनके जीवन से मुझे शिक्षा मिलती है कि इनके बताए हुए रास्तों पर हम अग्रसर रहें, और अपने जीवन में जो भी काम हमें सौंपे गए हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं हम, उसमें उस क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी से अपने कार्य को करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।